फिर क्या था, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मैदान में आ गए और राहुल गांधी को ओबीसी विरोधी बताते हुए आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने क्या कहा था, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं सबसे बड़ी संख्या में। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। ये जो बोले मोदी सरनेम के लोग सारे चोर होते हैं, ये किसी ने आवाज रोकी उनकी? इस देश में लोकतंत्र है इसलिए तो बोल रहे हैं ना वो, लेकिन सोच समझ के बोलना पड़ेगा। आप किसी को गाली नहीं दे सकते, और सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं फिर भी कह रहे हैं आवाज दबाई जा रही है। कौन बोल रहा है जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ? सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, लेकिन बोलते समय ध्यान नहीं रख रहे हैं कि कोई परंपराएं भी होती है, सारी जाति चोर नहीं होती है। तो उन्होंने सारी जाति को ओबीसी समाज को चोर कहा, मोदी सरनेम वालों को, तो ओबीसी समाज में आक्रोश आ गया। कोई आदमी कोर्ट में गया, कोर्ट ने फैसला दिया, आपके पास जो ऑप्शन है उसके तहत कार्रवाई करो। आप कोर्ट को भी नहीं मानोगे तो लोकतंत्र को नहीं मानने वाली कांग्रेस है। 5 साल राहुल गांधी जी ने किसी को अपोलॉजी नहीं किया। ये अपोलॉजी नरेंद्र मोदी के जी के लिए नहीं था, ये अपोलॉजी ड्यू था सारे ओबीसी कम्युनिटी के लिए। तो आज भी आप देखिए कोर्ट भार्डिक का बात भी तो अपोलॉजी नहीं है, कोर्ट भार्डिक का बात भी ऐसे लड़ाकू विमान होके बैठा हुआ है कि भाई हम जुडिशियरी से ही फाइट कर लूंगा। आप सोचता है कि आपका प्राइड है, आपका प्रेस्टीज है, आपका अहंकार है, तो हमारे देश का ओबीसी कम्युनिटी का भी तो अहंकार है। बात बयानबाजी और आरोपों से भी आगे निकल चुकी है। बीजेपी ने तो राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने का भी ऐलान कर दिया। राहुल गांधी जी कुछ अगर सोच समझ कर बोलते हैं तो भाजपा ये मानती है, उन्होंने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया है और भाजपा इसकी पूरी भर्त्सना करती है। और देश भर में हम राहुल गांधी के खिलाफ पिछड़ों के अपमान के लिए जबरदस्त आंदोलन करेंगे भाजपा की ओर से, ये हम कहना चाहते हैं। यानी